वेलकम बाय फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ओम्स लॉ, ओम्स का नियम क्या है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है। दोस्तों, सबसे पहले ओम्स लॉ का प्रतिपादन किसने किया था, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ का प्रतिपादन किया था जॉर्ज साइमन ओम ने। दोस्तों, अब ओम्स लॉ का हम डिफिनेशन देख लेते हैं। पहले ओम के नियम के अनुसार, किसी भौतिक अवस्थाएं समान रहें या अपरिवर्तित रहें, तब किसी बंद परिपथ में चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा जो भौतिक अवस्थाएं, से क्या मतलब है कि हमारा टेम्परेचर, आर्द्रता, नमी जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में हमारा जो परिपथ चालक, बंद परिपथ से मतलब दोस्तों कि हमारा एक कंडक्टर, जैसे हमारा एक कंडक्टर है, तो वो बीच से ब्रेक नहीं होना चाहिए, एक लूप, कंप्लीट लूप होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा कंप्लीट लूप नहीं है, तो अगर हमने यहाँ पे न्यूट्रल दे दिया, यहाँ पे फेज दे दिया, तो ये आपस में ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर ये सर्किट ब्रेक है यहाँ से, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो बंद परिपथ से मतलब है कि हमारा एक कंप्लीट सर्किट होना चाहिए। बंद परिपथ में चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दोस्तों, ओम्स लॉ को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम ओम्स लॉ के इक्वेशन देख लेते हैं। दोस्तों, ओम्स लॉ की इक्वेशन होती है वी इज इक्वल टू आई आर। दोस्तों, इसी इक्वेशन को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। दोस्तों, इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। दोस्तों, इस इक्वेशन को याद करने का सबसे सही तरीका है, आपने ट्रायंगल कह जी के देखा वी अपॉन आई आर। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे वी को एक साइड में कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है वी इजकल टू आई आर, ये हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगर हम आई को यहाँ से हाइड कर देते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा आर आई इजकल टू वी अपॉन आर। अगर हम आर को हाइड करते हैं, तो हमारा दूसरा तीसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा वी अपॉन आई। दोस्तों, याद करने का सबसे सही तरीका है। दोस्तों, अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से आप इस इक्वेशन को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमने भी पढ़ा था कि हमारे किसी सर्किट में अगर हमारा वोल्ट जो धारा प्रवाहित होती है, वो हमारे वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो दोस्तों, हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें कि अगर हमारा जो वोल्टेज है, उसका मान हमारा बढ़ेगा, तो हमारा धारा का मान भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों, हमारा जो परिपथ होता है, उसमें हमारा जो करंट होता है, वो हमारे रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वो हम अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें कि हमारा अगर हम रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दें, तो हमारा किसका मान दोस्तों घट जाएगा, आई का मान घट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों, अभी हमने बताया जैसे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब अगर ना वोल्टेज का मान बढ़ेगा, तो हमारी धारा का मान भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था कि आर डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मतलब हमारा अगर धारा रेजिस्टेंस का मान घटेगा, सॉरी बढ़ेगा, तो हमारा जो है करंट का मान जो है घट जाएगा। इसी सीक्वेंस में अगर रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, तो हमारा दोस्तों क्या होगा, करंट का मान घटता है, और करंट का मान बढ़ता है, रेजिस्टेंस का मान घट जाता है। दोस्तों, हमारा वोल्टेज क्या होता है, वी जो होता है वोल्टेज होता है, और इसको हम किस में मापते हैं, इसके यूनिट क्या होते हैं दोस्तों, वोल्ट होता है, वोल्ट्स होता है। हमारा करंट आई जो होता है वो करंट होता है, और इसको दोस्तों हम किस में मापते हैं, एम्पेयर में मापते हैं। और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है आर, इसको हम मापते हैं ओम्स में। ठीक है दोस्तों।